विदाई संभाषण निबंधकार बाल मुकुंद गुप्ता द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर व्यंग्य किया गया है। उन्हें भारत विरोधी कार्य करने के लिए लज्जित किया गया है। निबंध का सार शुरू करते हैं। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके कहता है कि आप भारत में स्थायी रूप से वायसराय बने रहना चाहते थे, परंतु आपके शासन का भी अंत हो गया है। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर इच्छा आपसे बड़ी है। आपके दोबारा भारत आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। वे हमेशा आपके जाने की प्रतीक्षा किया करते थे, परंतु आज आपके जाने पर मन में करुणा जग रही है। सचमुच विदाई का समय करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी तक विदाई का दर्द महसूस करते हैं। शिव शंभु के पास दो गायें थी, दोनों आपस में लड़ती रहती थी, किंतु जब बलशाली गाय वहाँ से विदा हुई तो कमजोर गाय उसके बिछुड़ने पर बिना चारा खाए कई दिन तक खड़ी रही। जहाँ पशु ऐसे हैं तो वहाँ के मनुष्य विदाई का कितना दुख मनाते होंगे। लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत दुखमय हुआ। कर्जन ने इस खेल को सुखन समझकर खेला था। उसे आरंभ से मध्य तक सुख ही सुख मिला, परंतु अंत दुखद हुआ। वास्तव में सारी लीला रचने वाला लीला में कोई और है, यानी ईश्वर सभी लीलाएं रचता है। घमंडी खिलाड़ी व्यर्थ में ही घमंड दिखाया करते हैं। सभी लीलाएं तो भगवान के हाथ में हैं, जो मनुष्य को संचालित करता है। दूसरी बार भारत में आने पर लॉर्ड कर्जन ने ऐसी योजना बनाई थी जिससे भारत में अंग्रेजों का राज हमेशा के लिए बना रहे। परंतु उनकी करतूत ऐसी थी, उनकी करतूत अशांति फैला देने वाली थी। आने वाले शासकों को सुख की नींद नहीं आ सकेगी। उन्होंने स्वयं भी संकट सहे और भारतीय जनता को भी दुखी किया। भारत के लोगों को इस बात का दुख है। भारत में लॉर्ड कर्जन की शान सबसे ऊपर थी। दिल्ली दरबार में ईश्वर तथा महाराज एडवर्ड के बाद उनका सर्वोच्च स्थान था। उनकी कुर्सी सोने की थी। जुलूस में उनका हाथी सबसे ऊंचा और आगे था। परंतु इतनी शान के बावजूद उन्हें ब्रिटेन के एक जंगी लाट के सामने नीचा देखना पड़ा। कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके तथा कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता गंभीरता का दिवाला निकाल दिया। उधर विलायत यानी विदेश में उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दे दी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। भारत में उनके इशारों पर ही हाकिमों को नाचना पड़ता था। उन्हीं के इशारों पर देश की शिक्षा और स्वाधीनता नष्ट हो गई। उन्होंने ही बंग देश के विभाजन की योजना बनाई। परंतु उनके अपने ही देश में एक फौजी अफसर उनके कहने पर नियुक्त ना हो सका। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारतवासी लॉर्ड कर्जन की यह पतित दशा देखकर अत्यंत दुखी हैं। अतः उनका जाना तय है। वे इस अवधि को कैसे काट रहे होंगे वे ही जानते होंगे। लेखक लॉर्ड कर्जन को उसके मनमानी पूर्ण शासन की याद दिलाता है। कर्जन ने यहाँ मनमाना शासन चलाया और आँख नाक कान बंद करके शासन किया। कोई भी काम प्रजा की इच्छा अनुसार नहीं किया और हर समय घेरने घोटने पर केवल प्रजा की बात सुन लेते थे। नादिर शाह ने भी आसिफ जाह के तलवार गले में लटकने पर उसी वक्त कत्ले आम रोक दिया था, परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी भी ताब नहीं थी कि वह भारत की 8 करोड़ प्रजा की फरियाद पर बंगाल का विभाजन रोक दे। लॉर्ड कर्जन ने यह योजना बनाई थी, बंग भंग की योजना बनाई थी, जिसे रोकने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, जबकि भारत के 8 करोड़ लोग ये चाहते थे कि बंगाल का विभाजन ना हो।
यद्यपि अब उनका भारत से जाना निश्चित हो चुका था, तो भी वे जाते जाते बंग भंग की जिद पूरी करना चाहते हैं। तब भला भारत की जनता कहाँ जाकर अपना दुखड़ा रोए। भारत की प्रजा ने लॉर्ड कर्जन की मनमानी का कुफल देख लिया। उनके जिस जिद ने भारतवासियों को दुखी किया, उसी जिद ने स्वयं कर्जन को भी शिकार बना दिया और अब वो अपना भारत देश छोड़ करके जा रहे हैं। भारत की जनता भगवान पर असीम विश्वास रखती है। वह दुख के दिन जैसे तैसे बिता लेगी, परंतु उसे इस बात का दुख है कि लॉर्ड कर्जन देश की प्रजा की श्रद्धा नहीं जीत सके। लॉर्ड कर्जन कभी कभी इस देश की अनपढ़ जनता का नाम अपने मुंह पर लाया करते थे। वही अनपढ़ प्रजा नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की महिमा का गीत गाती है। उस राजकुमार ने अपनी विपत्ति के दिन नरवरगढ़ नाम के राज्य में काटे थे। वहां उसने चौकीदार से लेकर ऊंचे पद तक अनेक कार्य किए थे। उसने विदाई के समय नरवरगढ़ की जनता का वहां की भूमि का उपकार माना था और उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया था। भारत की जनता आज तक उस कृतज्ञ राजकुमार को याद करती है। क्या आप भी ऐसा विदाई संभाषण कर सकते हैं जिसमें आप अपने स्वार्थ का, अपनी धूर्तता का उल्लेख करें? लेखक यहाँ लॉर्ड कर्जन से पूछ रहा है, और भारत की भोली भाली जनता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। क्या आप भारत की प्राचीन गौरव और यश को फिर से जागने की कामना प्रकट कर सकते हैं? लेखक पूछ रहा है। लेखक को विश्वास है कि यदि कर्जन ने ऐसा किया तो यहाँ की जनता उसकी गलतियों को क्षमा कर देगी, परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता नहीं है। भारतवासी लॉर्ड कर्जन के शासन से हमेशा दुखी रहे, इसीलिए उनकी विदाई पर हर्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिछुड़ने का समय पवित्र, शांत और निर्मल होता है। उस समय सारी दुर्भावनाएं नष्ट हो जाती हैं और सद्भावनाएं अंकुरित होने लगती हैं। इसलिए भारतवासियों को लॉर्ड कर्जन की विदाई के समय दुख हो रहा है, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने में जो मनमानी की थी, इसलिए उन्हें अपमानित होकर वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। उनकी सिफारिश पर एक अफसर भी नियुक्त नहीं हो सका था। लॉर्ड कर्जन को अपने जिद्दी स्वभाव के कारण नीचा देखना पड़ा और इसलिए उन्हें इंग्लैंड वापस जाने की जो थी